आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 का इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू कराऊंगा। इंटीग्रेशन आप जानते हैं 12th क्लास की मैथ्स की पहचान इन्हीं दो चैप्टरों से है, इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव और फॉर्मूले आपको इसके याद करने होंगे पहले। और इसमें कुछ जो डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव बनाने हैं इसमें उसको कुछ देखिए, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन में चेन रूल में आप इनटू में या मल्टीप्लाई में उसका चेन रूल का आंसर लिखते थे। यहां चेन रूल में आंसर जो लिखेंगे वो अपॉन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? अपॉन में। जैसे साइन, पहला क्वेश्चन देखिए, साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालना है यानी इंटीग्रेशन करना है। तो आप जानते हो साइन एक्स का क्या होता है आपको जानते हो, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स का पूरा 2x। क्लियर? तो कॉस 2x हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पर जो x है वो क्या है, 2x है। तो चेन रूल में 2x का क्या करेंगे, जो चेन रूल में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2। तो उसको नीचे लिखेंगे तो -1/2 cos 2x हो गया। हो गया आपका आंसर -1/2 cos 2x। क्लियर? ये एंटी डेरिवेटिव है। जैसे और आगे देखेंगे, सेकंड देखिए, cos 3x। अब cos 3x मतलब cos x है, ये cos x। cos x का इंटीग्रेशन करते sin x। x क्या है, 3x। अब 3x को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल में, तो चेन रूल में कितना है, 3। तो 1/3 sin 3x। क्लियर? ये क्या निकाले, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड में e की पावर 2x dx, यहां से हम दे सकते हैं। अब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन, भी e की पावर x होता है और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। तो e की पावर x का e की पावर 2x रहेगा। अब e 2x या x क्या है, 2x, 2x का डिफरेंशिएशन चेन रूल में 2, तो 1/2 e की पावर 2x। ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ax plus b की पावर 2 है। अब ax plus b की पावर 2, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये पूरा x है, ये हम क्या मानेंगे इसको, पूरा x यानी x की पावर 2 है। अब आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। क्लियर? तो यहां क्या हो जाएगा, ax plus b की पावर 2+1, एंटी डेरिवेटिव निकाल ले भी हम, upon 2+1। आप बच्चों देखिए, यहां जो ax plus b है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a into x का क्या होगा, a, और b का क्या होगा, 0। तो ax plus b की पावर 3/2 3 3a। क्लियर? 3a, तो 1/3a ax plus b की पावर 2। अब अगला इंटीग्रेशन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, sin 2x - 4e की पावर 3x। अब देखो इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब sin 2x क्या लिखेंगे, sin 2x क्या होगा, -cos 2x, और 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2, -4 as it is e की पावर 3x। तो e की पावर x होता है, और 3x को क्या रहेंगे, तो क्या होगा, 3।
अपॉन थ्री हो गया, मास वन अपॉन टू कॉस टू एक्स, मास फोर अपॉन थ्री की पावर थ्री एक्स। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन केवल एंटी डायरेक्ट पूछे थे, क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको सिक्स क्वेश्चन जो दे रखा है, फोर ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, अब सेपरेट कर लो, फोर ई की पावर थ्री एक्स डी एक्स इसको अलग कर लिया प्लस वन डी एक्स, क्लियर। अब फोर तो कॉन्स्टेंट एज इट लिखा जाएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स यानी ई की पावर थ्री एक्स, और थ्री एक्स का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, चेंज में क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन अपॉन आएगा अपॉन थ्री प्लस, अगर वन का डिफ्रेंशिएट करते थे तो जीरो आता था, कॉन्स्टेंट वहां जीरो होता था, एंटी डेरिवेटिव में एक्स आएगा, क्या आएगा एक्स प्लस सी, क्या आएगा सी, तो फोर अपॉन थ्री ई की पावर थ्री एक्स प्लस सी। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। अब सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कैंसिल हो गया जी वन डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू अपॉन थ्री, एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स, अब जो वन होगा वन का क्या होगा एक्स प्लस सी, तो एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे, यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट रखा डी एक्स, तो सबको सेपरेट कर लेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, क्लियर। अब ए तो कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस बी कॉन्स्टेंट है एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी कॉन्स्टेंट है डी एक्स क्या हुआ एक्स प्लस सी, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में टू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स डी एक्स दे रखा है, सेपरेट करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, सेपरेट कर लिया। अब टू तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू अपॉन थ्री, एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस ई की पावर एक्स का क्या होगा ई की पावर एक्स प्लस सी, टू अपॉन थ्री एक्स क्यू प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, क्लियर। अब टेन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन, रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स रूट एक्स का होल स्क्वायर इट मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर वन अपॉन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू ए बी, ए ये है और बी आपका ये है और फिर डी एक्स, मैंने क्या कर दिया ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर खोल दिया, कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स आपका ये ओपन होके आ गया, आप सबको सेपरेट कर देंगे, इट मीन्स एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस टू डी एक्स, इतना क्लियर हुआ। अब देखेंगे कि अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, अब एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन एक्स का क्या होता है बच्चों लॉग एक्स, क्या होता है लॉग एक्स प्लस माइनस टू एज इट इज
और dx क्या करता है x प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, पहले इसका a माइनस b को उसको खोल दिया, a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर मैंने सबको सेपरेट कर दिया x dx वन अपॉन x dx माइनस टू डी एक्स। एक्स का क्या होता है x स्क्वायर अपॉन टू, वन अपॉन x का क्या होता है log x और टू का क्या होगा टू एज इट इज dx का x प्लस c। क्लियर 1 to 10 क्वेश्चन आज इस वीडियो कर दिए, नेक्स्ट वीडियो करेंगे सेकंड।